In a cricket match, a batsman hit a boundary 6 times out of 30 ball he plays. Find the probability that he did not hit a boundary. देखिए सबसे पहले तो देखिए जो है ये हमने ये देखना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड कितनी है, 30 है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी जो है थ्रो हुई वो 30 है, और कितने 30 बॉल में से हिट कितने हुए 6 टाइम, हिट का मतलब बाउंड्री को टच करना, चाहे वो 4 हो चाहे वो 6 हो, तो हिट कितनी बार हुई बॉल 6 टाइम, तो और कितनी बॉल ऐसी गई जिन पे कोई हिट नहीं हुआ 24, टोटल में से हिट बॉल माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ बॉल आ जाएंगी डेट डज नॉट हिट द बाउंड्री। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है डेट डज नॉट हिट ए बाउंड्री, और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 4 ही डज नॉट हिट ए बाउंड्री, नंबर ऑफ टाइम व्हेन ही डज नॉट हिट द बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल थ्रोन 24/30, कॉमन लेने के बाद सप्लिट कर दिया, अब जो है सिंप्लीफिकेशन के बाद 4/5 आ गया, वही है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, टोटल देख लीजिए कितनी बनते हैं, 1500 फैमिलीज हैं, तो इनका सम जो है टोटल 1500 बनता होगा, और फेवरेबल आउटकम फॉर टू गर्ल इज 475/1500। इस तरह से इनके आपने आंसर करने हैं, जो है स्टेटमेंट बना के अपना वैल्यू लिखिएगा और हर चीज़ को अच्छे से मेंशन करिएगा।